नए IPOs के बारे में जानिए एंजल वन के YouTube चैनल पे। Yes, आज हम बात करने जा रहे हैं इथॉस के IPO के बारे में। इथॉस का IPO ओपन होने जा रहा है ऑन 18th ऑफ मई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल की, फाइनेंशियल्स की और वैल्यूएशंस की, तो हमारे साथ एंड तक जरूर जुड़े रहे। चलिए IPO डिटेल से शुरू करते हैं। तो इस IPO का टोटल साइज ₹472.3 करोड़ का है, जिसमें ₹375 करोड़ के लिए फ्रेश इशू किया जा रहा है और 97.3 करोड़ का ऑफ फॉर सेल पोर्शन है। ये इशू 18th मई 2022 को खुलने वाली है एंड क्लोजेस ऑन 20th मई 2022। इसका प्राइस बैंड ₹836 to ₹878 पर शेयर का रहेगा और बिड लॉट 17 शेयर्स का होगा। शेयर्स के लिस्टिंग पर कंपनी के मार्केट कैप अप प्राइस बैंड के अनुसार ₹2050 करोड़ रहेगा और शेयर्स की लिस्टिंग लगभग 30th मई 2022 को होगी। बात करते हैं इस IPO के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। कंपनी का ये इशू रेस करने के 4 रीजंस हैं। नंबर 1 इज 30 करोड़ का लोन रिपेमेंट करना। सेकंड इज 235 करोड़ कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए होंगे। 33 करोड़ न्यू स्टोर्स फाइनेंसिंग के लिए और 2 करोड़ ERP अपग्रेडेशन के लिए स्पेंड होंगे और बैलेंस अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। चलिए अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। इथॉस लिमिटेड इंडिया में सबसे बड़ी लग्जरी और प्रीमियम वॉच रिटेलर है। कंपनी अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और फिजिकल स्टोर्स के जरिए प्रीमियम लग्जरी वॉचेस बेचती है। इथॉस लिमिटेड एक ओमनी चैनल मॉडल पर काम करती है और कस्टमर्स इनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हैं। कंपनी के वॉच पोर्टफोलियो में 50 प्रीमियम ब्रांड्स हैं लाइक ओमेगा, IWC, शॉफहॉजन, येगर लुकोल्टु, पेरेराई, बुल्गेरी, एच मोजरेसे, राडो, लॉन्जरीन, बॉमे एंड मोसीर, ओरिस एसे, कोरम, कार्ल एफ बुकरा, थिसॉ, रेमन वेल, लुई मुआनी एंड बालमे। इंडिया में कंपनी के पास 17 सिटीज में 50 फिजिकल स्टोर्स से है, जिनमें न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुड़गांव, गुवाहाटी, लुधियाना, नागपुर, नोएडा, पुणे और थाने भी शामिल है। द कंपनी हैज 7,000 डिफरेंट प्रीमियम वॉचेस एंड 30,000 वॉचेस इन स्टॉक एट एनी गिवन टाइम। As of December 31st, 2021, the company's website had approximately 2.18 crore visitor sessions. अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतनी इंप्रेसिव नहीं रही है। इन द लास्ट 2 ईयर्स कंपनी का सेल्स 7% नेगेटिव CAGR रहा है और प्रॉफिट 24% नेगेटिव CAGR रहा है और कंपनी का EBITDA मार्जिन भी नीचे गिरा है 12.8% फाइनेंशियल 19 से 10.3% इन फाइनेंशियल 21। अगर हम लिस्टेड पीयर्स की बात करें तो इंडिया में इस कंपनी का कोई लिस्टेड पीयर नहीं है। करंटली कंपनी के 9 मंथ एंड फाइनेंशियल 22 एनालाइज्ड अर्निंग PE 96.1x PE वैल्यूएशन की मांग कर रही है और ओवरऑल इकोनॉमी में स्लोडाउन एक रिस्क भी साबित हो सकता है इथॉस के लिए। सो दोस्तों, ओवरऑल मैंने कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस को एक्सप्लेन कर दिया है। नीचे कमेंट्स में आप हमें बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस IPO। क्या हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा इस IPO में? For Angel Research View, we will publish our report on Angel One website on 16th May 2022. Thank you for watching this video. Aise hi aur naye IPOs ke baare mein janne ke liye, don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube channel. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.